सोना जो आज की इस दुनिया में सबसे बेशकीमती चीजों में से एक माना जाता है, और अब तो लोग सोने का यूज केवल ज्वेलरीज या सिक्के बनाने में ही नहीं बल्कि इसका यूज वे कार, कपड़े, मास्क, डंबेल और आई लेंसेज जैसी चीजों को बनाने में भी करते हैं। और यहाँ तक तो ठीक था, बट अब तो कुछ अमीर लोग सोने से टॉयलेट एंड टॉयलेट पेपर्स भी बनाने लगे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक 2,44,000 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड पृथ्वी से निकाला जा चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के भीतर जितना सोना मौजूद है उसमें से काफी कम मात्रा में हम सोना निकाल पाए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि धरती के भीतर इतनी ज्यादा मात्रा में सोना आया कहाँ से है और आखिर यह बनता कैसे है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गोल्ड एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल है जो कि अर्थ के रॉकिंग क्रस्ट में नहीं बल्कि स्पेस में बनी एक मेटल है। कई बड़े साइंटिस्ट एंड स्पेस एक्सप्लोरर्स का यह मानना है कि गोल्ड का फॉर्मेशन सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस एंड न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर से हुआ था, और यह प्रोसेस केवल एक विशाल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होता है जिसमें कि एक जोरदार ब्लास्ट होने से बहुत सारे हेवी एलिमेंट्स छोटे छोटे कणों में बदल कर स्पेस में फैल जाते हैं। इन एलिमेंट्स में आयरन और गोल्ड भी शामिल होता है। साइंटिस्ट यह बताते हैं कि करोड़ों अरबों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंडों की पृथ्वी पर बमबारी होने लगी थी, और इन उल्कापिंडों में आयरन और गोल्ड जैसे एलिमेंट्स अधिक मात्रा में शामिल थे। और आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि इन उल्कापिंडों की बारिश करोड़ों सालों तक लगातार होती रही थी जिससे कि पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था, और जमीन के बनने के दौरान यह कीमती धातुएं पिघलकर जमीन के अंदर समा गई थी जिसमें सोने के साथ कई अन्य धातुएं जैसे प्लेटिनम, कॉपर, आयरन भी जमीन में धस गए थे जिन्हें आज प्रेजेंट टाइम में माइनिंग करके निकाला जाता है। यदि अरबों साल पहले धरती पर अगर उल्कापिंडों की बारिश नहीं होती तो शायद इंसानों को कभी सोने की चमक से रूबरू होने का मौका ही नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड के टॉप 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर फर्स्ट, केवल 4 ग्राम सोने को जमीन के अंदर से निकालने के लिए 1 टन पत्थरों को माइनिंग करके निकाला जाता है, और 1 आउंस गोल्ड की माइनिंग करने के लिए 5,299 लीटर पानी, 38 घंटे की मेहनत और इतनी ज्यादा बिजली की जरूरत होती है जितने से एक बड़े घर को 10 दिन तक लगातार बिजली दी जा सकती है। नंबर टू, जितना सोना जमीन के अंदर दबा है उससे 8 गुना ज्यादा सोना समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। अगर सारा सोना निकाल लिया जाए तो हर इंसान के पास लगभग 4 किलो सोना होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई प्रभावी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम इसे बाहर निकाल सके। नंबर थर्ड, यदि भारत की महिलाओं की ही बात की जाए तो उनके पास ही करीब 21,000 टन सोना है। यह संख्या दुनिया के टॉप 5 देशों के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है, जबकि अगर भारत सरकार के खजाने की बात की जाए तो उनके पास कुल 743 टन सोना मौजूद है। नंबर फोर, हमारे ब्रह्मांड में गोल्ड भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सोना सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि बुध, मंगल और शुक्र ग्रह पर भी पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से जब सन को एक्सप्लोर किया था तो उन्होंने पाया था कि सन में हीलियम, कार्बन और आयरन के साथ साथ सोना भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर फाइव, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गोल्ड या गोल्ड से बनी चीजों से डर लगता है जो कि एक तरह का फोबिया होता है जिसे ओरोफोबिया कहते हैं। नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कि स्पेस में पहने जाने वाले स्पेस सूट के हेलमेट में जो शीशा लगा होता है उस पर गोल्ड की पतली सी परत चढ़ी होती है। यह परत 0.05 माइक्रोमीटर जितनी पतली होती है ताकि एस्ट्रोनॉट को ग्लास से आर पार देखने में परेशानी नहीं होती है। ग्लास पर यह सोने की परत सूर्य की खतरनाक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। नंबर सेवन, अब तक दुनिया का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा 5 फरवरी 1869 को ऑस्ट्रेलिया में मिला था। यह लगभग 72 किलो का शुद्ध सोने का टुकड़ा था और यह जमीन से केवल 24 इंच नीचे मिला था। नंबर एट, अगर आज तक पृथ्वी पर पाए गए सोने को एक जगह रख दिया जाए तो इसे रखने के लिए ओलंपिक के सिर्फ 3 स्विमिंग पूल ही काफी है। नंबर नाइन, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में भी लगभग 0.2 मिलीग्राम सोना पाया जाता है जो कि हमारे खून और बालों में मौजूद होता है। नंबर 10, अल्केमिस्ट हेनिंग ब्रांड जो कि एक जर्मन रिसर्चर थे, उनका ऐसा मानना था कि मनुष्य के पेशाब में सोना होता है और इसे निकाला भी जा सकता है क्योंकि पेशाब सोने के रंग की तरह ही दिखाई देता है।
इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने 4000 लीटर पेशाब को उबालकर उसे साफ किया। इससे उन्हें सोना तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने फास्फोरस की खोज तो जरूर कर डाली। आज के आधुनिक तथा तकनीकी युग में इंसान कुछ भी बना सकता है, लेकिन नेचुरल गोल्ड नहीं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसे पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता है। कई वैज्ञानिकों ने सैकड़ों सालों तक नेचुरल गोल्ड को बनाने की कोशिश की, पर वह इसे बनाने में सफल नहीं हो सके। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल निटो नोटिस को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को आप मिस ना कर सके। ओके बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।